64वां खेलकूद कबड्डी खो खो प्रतियोगिता संपन्न। आज सानेश्वर महादेव की धन्यद्रा बोड़ी की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोड़ी में 3 दिवसीय टूर्नामेंट संपन्न हो गया। इस प्रतियोगिता में कबड्डी में लगातार 3री बार पादरली सिंधलान ने हैट्रिक के साथ ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, तो खो खो में शिवम खाड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर कबड्डी में नवजीवन जीवन कला व खो खो में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाड़ा उपविजेता रही। इस प्रतियोगिता में कुल 30 टीमों ने के 293 बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में सरपंच साहब विश्वपाल सिंह मेड़तिया, समस्त स्कूल स्टाफ व ग्रामवासियों का संपूर्ण सहयोग रहा। तीसरे स्थान के लिए कबड्डी में कल्पना विद्या मंदिर व खो खो में किशनपुरा रही। इस प्रतियोगिता में बोड़ी ग्राम के भव्य आयोजन के बाद तो बड़ी बात यह रही कि उस प्रतियोगिता जितने भी टीम आई और उनके साथ जितने भी मेहमान गण आए उनके लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था सानेश्वर महादेव की धन्यद्रा पर समस्त सतीश कौम की ओर से की गई। आखिरी दिन समापन समारोह के मुख्य अतिथि बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत द्वारा इसका समापन किया गया। इस मौके पर रानी ब्लॉक BEO लाखाराम जी पालीवाल, उपप्रधान किशोर सिंह राजपुरोहित जीवनकला, ग्राम पंचायत सरपंच विश्वपाल सिंह मेड़तिया, बोड़ी प्रधानाचार्य पुख सिंह राजपुरोहित, विजेंद्र कुमार सोनग्रह, ओम प्रकाश लोची, सुनीलाल रांगी, रानी ब्लॉक खेल प्रभारी रतनलाल सोलंकी, इराम गांची, वजराम बावल, रतनलाल रावल, पूर्व सरपंच संजय, समस्त तीसरे स्थान पर निविश भारती और उसके बाद में बेस्ट कैचर जो बेस्ट शानदार मैच चलता हुआ है। यहाँ पर फाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं 64वीं खेलकूद कबड्डी खो खो प्रतियोगिता का सानेश्वर महादेव की धन्यता कोड़ी के अंदर आज इसका समापन होगा। इसके बाद तो रीजी आपके सामने फाइनल मुकाबला बहुत ही खतरनाक दो बार के चैंपियन और नवजीवन विद्या मंदिर जीवन कला के बीच चल रहे हैं। इस वक्त बहुत ही आगे सिंधलान की टीम, दर्शक तैयार, खचाखच मैदान दर्शकों से भरा हुआ और एक और टच ले उड़े, बहुत ही शानदार मैच देखने को मिला। एक अकेला खिलाड़ी सिंधलान की ओर से लास्ट रेड और इसके बाद 64वीं खेलकूद प्रतियोगिता का कबड्डी का चैंपियन टीम घोषित हो जाएगा। लीजिए आखिरी रेड आपके सामने 64वीं रानी खेलकूद प्रतियोगिता कबड्डी खो खो की कोड़ी के अंदर ये आखिरी रेड, इसके बाद कौन बनेगा चैंपियन अभी कुर्सी पलों में आपके सामने होगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत दोनों टीमों का। आखिरी रेड है और यहाँ पर टीम चैंपियन पादली सिंधलान सिंधलान इस बार की चैंपियन हैट्रिक लगा चुकी है पादली सिंधलान। देखो 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 ओ कोई हीरो है नैन क्यों देखो 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 करो थे देखो इन्हीं में फेलो फिर इसका अनुसरण करता है सिटी का अनुसरण करते हुए खेल को खेले हैं। देखिए विशाल बज रही है, वेरी गुड। दोनों प्रदर्शन श्यामलाल जी राठौर और रितु जी राणावत पूरी निगरानी रखते हुए मैच पर। शिवम का मुकाबला आपके सामने जगदीश जी, सांझे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब यशपाल सिंह जी, हमारे यहाँ उपस्थित BEO साहब लखाराम जी, यहाँ उपस्थित हमारे
बंदाल के सरपंच साहब हड़ा साहब या उपस्थित पूर्व सरपंच साहब रतन जी, पार्टी के हमारे वयोवृद्ध स्थानीय स्कूल के प्राध्यापक भूप सिंह जी और आपकी पूरी स्टाफ, उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, माताओं बहनों, ये 64वीं रानी ब्लॉक की खो खो और कबड्डी की जो खेलकूद प्रतियोगिता जो बोरली गांव को जो मिली, और इस अवसर पर मुझे इस बात की खुशी है कि जब मुझे अभी पता चला इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लगभग 30 से ज़्यादा टीमें इसमें उपस्थित थी। जनरली मतलब खेलकूद प्रतियोगिता को साधारण तौर पर मैंने ये देखा आज का कि कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी दल प्रभारी या कोई भी शिक्षक है या कोई भी मतलब हमारे उच्च प्राथमिक के स्कूल के जो हमारे पीछे ही है, जनरली उनमें इतना उत्साह रहता नहीं है कि टीम को लेकर जाएं और मतलब उन बच्चों को इस मैदान में मतलब वो अपने क्या प्रदर्शन दे सके, मतलब उनको कैसे हम आगे पहुँचाएँ। पर रानी ब्लॉक का मतलब ये आज जो मैंने सुना जो मतलब 30 टीम अगर इस प्रतियोगिता में आई है, तो मैं बीओ साहब और मतलब आपके पूरे स्टाफ को मैं बहुत बहुत आप धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि रूप से अगर मजबूत रहेगा मानसिक रूप से मतलब अगर आप आज आप देखें कि कबड्डी जैसा खेल जो मैं समझता हूँ कि भारत इसमें हमेशा विश्व कप जीत कर आता है, कोई भी ओलंपिक्स हो या कोई भी वर्ल्ड कप हो तो भारत जीत कर आता है। आज पूरी दुनिया में मतलब एक खेल प्रसिद्ध हो रहा है और इसमें प्रतिस्पर्धा भी होने लगी है पूरी दुनिया में, और हमारे ये नौजवान बच्चे, और आपने देखा हो आज का टीवी में हम देखते हैं कि प्रो कबड्डी के नाम से मतलब लोगों ने कई ऐसे कॉर्पोरेट जगत में इस कबड्डी को मतलब जो हमारा एक तरह से राष्ट्रीय खेल भी है इसको बढ़ावा के लिए मतलब कई स्पॉन्सर्स ने कॉर्पोरेट जगत ने मतलब इस कबड्डी के मतलब प्रो कबड्डी के नाम से विभिन्न विभिन्न मतलब प्रदेश की टीमें उतरती है, और वास्तव में खेल उनका जो हम टीवी के माध्यम से देखते हैं तो वह अच्छा लगता है कि वास्तव में हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो इस भारत में इस तरह का खेल का स्तर हमें बताते हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जो खेल को मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरे मेल तीरे तुम्हारे मेल तो ला तुम्हारा जमण जाया रे जमण जाया तुम्हारा जमण जाया रे जमण जाया। और थोड़ी भाई मोटी वे बने स्कूल थी कॉलेज तक पढ़ावे बीए पास करावे और बीए पास की थोड़ी भाई कोई कने घरे रह कोरी बने तो कटिन कटी तो पीड़ा हाथ करी ने मेल ना पड़ी अरे बने पीड़ा हाथ करी ने मेल या पहला पहुंचे जो पाड़ी पोसी घनी लाड़ती अने दख मत थई दो आहे बीए पास भेवाड़ जी कोम मत कराई दो पैदल हालंडी आदत नहीं है स्कूटर मंगाई दो बाकी आदत कोई नहीं हारण काम कराई दो गबरिया भाई राहुजी ने पहुंचाई दो पाड़ी पोसी घड़ी लाड़ती तकमत दी आवा भाई सारा ने रे चीड़ गली राने रे यड़ा तितर पंखी राने रे दोरो घनो सासे रो मावड़े जाने कालजीरी कोरे कालजीरी कोरे फूला माते फाका धरी कि करे करे मन में लाडे मर्जी मने गाडे जीवन मीठो जेरे पियो डब डब भरिया बाई सारा नेरे चीड़ गलीरा नेरे अड़ती तर पंजीरा नेरे दोरो घनो सासे रो अरे प्यारे रईयो बाबू सा कई थारो करो मैं कसू हो इतरा दीना तो माने लाड़े लड़ायो
अब क्यों करो सामने तू थारी अंगड़ी येरी बोली में चिरकली के वो जद उड़ जाऊं सा थारी अंगड़ी येरी बोली में गवड़ली भेजो तो चली जाऊं सा मुंडे सू कहीं बोलूं मारा आसूरा बोले हिवड़ो भरो है भरे बू भाई चाली सास है ये पालना में सो जा रहे पिटीरा पाल गीत सुनम बाला सो जा नैना बाल अरे मावड़े बैठी थे पड़े ने यो उधराए दूध पियाने दो दिन होगा नींद कटे सुवाए मारे काल जोरी कोर इनमें जामन रो कई जोर जे तू बाला नहीं पिए तो चीर चामड़ी पाऊं अरे खारो पानी पीतो वे तो आंसूड़ा ढड़काऊं सो जा घर्रा जानना रे भूखारा भोपाल पालना में सो जा रे फिर तेरा पाल गीत सुनाऊं बाला सो जा नैना बाल के धमक धमक घन बाजे कंपनी और बाजा अरे काची नींद भिजक मत जाजे सपनों रा राजा उड़े नंगारे रे लोग नेचे नींद ली।